देखिए हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं टाइमर बेस्ड क्वेश्चंस में। इसमें क्या होता है कि एक इमेज दी जाती है, 45 सेकंड दिए जाते हैं। उस इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए आपको याद करना होता है। 45 सेकंड के बाद इमेज चली जाती है, मतलब वो वैनिश हो जाती है। उसके बाद आपके उस इमेज पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेम पैटर्न पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए अपना टेबल चेयर बैठ जाइए, और 45 सेकंड टाइम दूंगा मैं आपको। लाइव हम लोग करने वाले हैं और इसको विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका 45 सेकेंड टाइम स्टार्ट होता है। आप ऑब्जर्व कीजिए इमेज को 45 सेकेंड तक। ठीक है, तो आई थिंक आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे, इमेज देख ली होगी। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पोर्ट्स वर देयर, कितने पोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे थे उस टेबल पर। पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब अपने माइंड में सोच लीजिए, आपको पता है क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन है, 4 के अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही है। लैपटॉप वॉलपेपर वॉज ब्लू इन कलर, या दूसरा था टू पिलो पिलोज वर देयर, या थर्ड वॉज वॉल वॉज एम्प्टी, एंड द फोर्थ वन वॉज ओनली वन कॉफी मग वॉज देयर ऑन द टेबल। ये टेबल पर एक ही मग था। अब आई थिंक आपने इसका सोच लिया होगा। और एक क्वेश्चन और भी मैंने आपसे पूछा एक्स्ट्रा, देखते हैं उसको याद कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। चूज द करेक्ट बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द टेबल, जो टेबल है उसके जो टेबल कौन से मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है। एक्चुअली बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, इट इज अ चूज द करेक्ट मटेरियल ऑफ द टेबल, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन का समझाना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी पोर्ट्स वर देयर। तो अगर आप पोर्ट्स देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और कोई पोर्ट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर दूसरा बोला गया, लैपटॉप वॉलपेपर वाज ब्लू इन कलर, लैपटॉप का कोई वॉलपेपर नहीं है। टू पिलोज वॉज देयर, 2 तकिए थे, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3, देर आर 3 पिलोज और देयर। वॉल वॉज एम्प्टी नहीं, यहाँ पर पेंटिंग है, तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट सही होगा। अब बिना देखे उसको चेक कर सकते हैं, ओनली वन कॉफी मग वॉज देयर ऑन द टेबल। तो यस, यहाँ पर चीज लिखी गई है कि आपका जो कॉफी मग है उस वहां पर आपको एक कॉफी मग ही देखने को मिलेगा। एंड द फोर, एक और भी था कि चूज दी मटेरियल ऑफ दी टेबल, तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, इट इज मेड ऑफ दी वुड, ठीक है। तो आई होप, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखने वाला कुछ सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलो विच कलर वॉज लीस्ट प्रेजेंट ऑन द फ्रंट फेस ऑफ रूबिक क्यूब कंपोजिशन। तो आपने बहुत सारे रूबिक क्यूब देखे होंगे, कौन सा कलर सबसे कम देखने को मिला आपको। पहला क्वेश्चन है, सोच लिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट कलर्स वॉज देयर इन टोटल। तो आपको बताना है कितने तरह के कलर इसमें देखने को मिले हैं आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि लीस्ट कलर प्रेजेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल रंग ऐसा है जो 2 बार हुआ है, और ब्लू 1 2 3 4 5, तो ब्लू जो है 5 बार, रेड जो है 2 बार, और ग्रीन 1 2 3, ग्रीन जो है आपका 3 बार, येलो 2 बार, और जो व्हाइट है आपको देखने को मिलेगा 2 टाइम्स। लेकिन सबसे कम कलर कौन सा यूज हुआ है, इट इज ऑरेंज, सिर्फ 1 बार हुआ है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ इसका, ऑरेंज हुआ। और सेकेंड स्टेटमेंट वॉज हाउ मेनी डिफरेंट कलर्स वॉज देयर इन द टोटल, तो कितने थे हम लोगों ने देखे थे, सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कलर्स आपको। चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर 45 सेकेंड लीजिए और ऑब्जर्व कीजिए इमेज को।
ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बर्ड्स बर्ड्स पर दे, कितनी तरह कितने चिड़िया या बर्ड्स थे इमेज में। पहला क्वेश्चन है, आई थिंक आपको ये देख लिया होगा, सोच लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन होता है पैटर्न ऑफ द क्लॉथ, जो क्लॉथ है कपड़ा है उसका कौन से पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ग्रिड पैटर्न है, जिगजैग प्लेन है, प्लेन है या फिर रैंडम पैटर्न है। तो देख लेते हैं कितनी बर्ड्स हैं, बर्ड्स तो हैं एक भी नहीं है, तो या है या नहीं है, नहीं है तो उसमें आप लिखेंगे जीरो ना, हाउ मेनी बर्ड्स वर देयर, तो नहीं है कोई सी बर्ड इसमें। और जो पैटर्न कौन सा मिलेगा आपको यहाँ पर, जो कपड़ा दिया गया बेडशीट है, आप समझ ले सकते हैं इसको, इट इज मेड ऑफ द ग्रिड, ठीक है, ग्रिड पैटर्न आपको देखने को मिलेगा इसमें। सो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्व कीजिए इमेज को 40 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, हाउ मेनी पीपल वर वेयरिंग हैट, कितने लोगों ने हैट पहनी हुई थी जिस फोटोग्राफ में थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द कलर ऑफ द हैंडबैग, जो हैंडबैग था उसका कलर कौन सा आपको देखने को मिलेगा। तो कितने लोगों ने हैट पहनी हुई है, सो इट इज 1, 2 और 3, 1, 2, 3, ठीक है। और हैंडबैग कलर आप देख सकते हैं ऑरेंज समझ लीजिए इसको, तो ये ऑरेंज का। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और भी था, देखते हैं आप रिकॉल कर पाए नहीं कर पाए हैं। आपने उसके इमेज दोबारा दिखा भी दिया मैंने, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, कि वन डॉग, टू डक्स, टू डॉग्स, टू डक्स, वन फ्रॉग, वन डॉग एंड टू डक्स, या फिर वन डॉग और वन डॉग, वन डक थी। तो क्या लगा आपको, तो यहाँ पर दो डक हैं और वन डॉग है, ठीक है। चलिए इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये जो पेंटिंग है ये डी स्टिल पेंटिंग बोली जाती है, डी का मतलब होता है डी और स्टिल का मतलब होता है स्टाइल। तो ये जो डी स्टिल जो पेंटिंग है या जो आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था नीदरलैंड्स में, और उसको न्यू प्लास्टिज्म भी बोला जाता है। ये पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नाटक के लिए भी। यहाँ पर आपको क्लियर लेंस देखने को मिलेंगी, चलो पहले आप ऑब्जर्व करो यार। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी स्क्वायर्स वर देयर, पूरी की पूरी पेंटिंग में कितने स्क्वायर आपको देखने को मिल रहे थे, 1, 2, 3, 4। फिर है हाउ मेनी कलर्स वर यूज्ड इन अ गिवन पेंटिंग, कि कौन कौन से कितने तरह के कलर आपको उस पेंटिंग में देखने को मिले हैं। और अगर लॉन्गेस्ट रेक्टेंगल वॉज ऑफ, और तो यहाँ पर रेक्टेंगल होना चाहिए था, वॉज ऑफ विच कलर, तो आपको बताना। खैर ये एक्चुअली में टीम बनाती है तो इतना सोचते नहीं है वे, लेकिन समझाना चाहिए क्वेश्चन क्या है। सो रेड, येलो, ब्लैक, ब्लू, तो तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स वाज देयर, लेट्स सी। तो कितने हैं, 1, 2, 3, और तो मेरे हिसाब से कोई नहीं है, ये भी काउंट हो जाएंगे ना, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। लेकिन नहीं, हम लोग ऐसा काउंट नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ हमें ये करना पड़ेगा 1, 2, 3 जो पूरे के पूरे दिए गए हैं, अदरवाइज ये लाइन बीच में आ रही है। ये कोई भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये था, दूसरा क्या था, हाउ मेनी कलर्स वर यूज इन पेंटिंग वो देख लेंगे, और तीसरा है लॉन्गेस्ट जो है कौन सबसे बड़ा, तो इसके अंदर दो कलर देखने को मिलेंगे आपको, व्हाइट एंड ऑरेंज। तो आप बोल सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट रेक्टेंगल है वो व्हाइट कलर का भी है
या फिर और ऑरेंज कलर का भी है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, डी स्टेज में समझाना था अभी, खैर वीडियो गेम में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स वर देयर इन द स्टेयर केस। तो आपने वह स्टेयर केस होगी छोटी सी, उसमें आपने स्टेप्स काउंट किए होंगे आई गेस, नहीं किए हैं दोबारा काउंट कर लेना अभी आएगी, लेकिन जिसने काउंट किए होंगे तो आपको उसका आंसर पता होगा। सेकेंड क्वेश्चन था चूज द अप्रोप्रिएट कलर सेट ऑफ द कंपोजिशन, कौन कौन से कलर के आपको सेट बताना है, ब्लू पिंक येलो ग्रीन रेड ब्लू येलो पिंक, जो भी कलर आपको लगता है आपको बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, सो देर आर सिक्स स्टेप्स इन द स्टेयरकेस एंड कौन कौन सा कलर इसमें लिखा हुआ है, रेड ब्लू ब्लू पिंक येलो ग्रीन, तो ग्रीन नहीं है इसके अंदर, पहला एलिमेंट हो जाता है, तो दूसरा कौन सा है, रेड ब्लू येलो पिंक, रेड ब्लू येलो पिंक सेकंड ऑप्शन सही है, ब्राउन कलर नहीं है, पर्पल कलर भी हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, सो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। चलो एक वीडियो, एक दो वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, और मैं ट्राई करूंगा कि ट्राई की एक्चुअली करनी मुझे आज ही चाहिए, और आज की बात उसकी वैल्यू फिर अगले महीने आएगी। मैं ट्राई करूंगा कि आपको टाइम से पहले उनको अपलोड कर देता हूँ। मुझे चीज डिस्कस करनी थी कि डिजिटल यहाँ पर आया हुआ है, तो याद रखिए कि ये जो यहाँ स्टार्ट होता है ये नीदरलैंड में, नीदरलैंड्स से स्टार्ट होता है। ये इस तरह का आर्ट मूवमेंट था जहां पर लोगों ने इस तरह की पेंटिंग आर्ट में काम करना स्टार्ट कर दिया। सो आर्किटेक्चर के अंदर भी उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला, इसी के साथ साथ ज्वेलरी के अंदर भी, फर्नीचर के अंदर भी, और जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग होती है सब में आपको ये सब चीज देखने को मिलेंगी। सो डिजिटल में क्या होता है, क्लीन लाइन्स होती हैं, मतलब आपको सीधी लाइन देखने को मिलेंगी, ग्रिड टाइप की लाइन देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इट इज प्योरली राइट एंगल देखने को मिलेंगे एंड प्राइमरी कलर्स, तो यहाँ पर आपको प्राइमरी कलर्स देखने को मिलते हैं, ज्यादातर बोल्ड कलर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक शेप्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, याद रखना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, टाइम ज्यादा है नहीं हमारे पास, अब बाय।